नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक की जार सोसाइटी सीज कर दी गई है, जिसे निवेशकों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। उन्होंने बिल्डर और अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन करने की मंजूरी ली है, तो उन्हें प्रदर्शन करने से रोका गया। नोएडा के घर खरीददार प्रशासन के इस रवैये से बेहद खफा है। उनका कहना है कि उनसे प्रदर्शन करने का हक भी छीना जा रहा है। सुपरटेक की जार सोसाइटी सीज, निवेशकों के प्रदर्शन को भी रोका। नक्शा फर्जी था तो पहले क्यों नहीं रोका? अपना घर सबका सपना होता है, लेकिन एनसीआर खासकर नोएडा में ऐसे ऐसे बिल्डर हैं जो निवेशकों को लूटने के इरादे से प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। सुपरटेक की जार सोसाइटी भी कुछ इसी तरह का प्रोजेक्ट है। सुपरटेक जैसे फ्रॉड बिल्डर निवेशकों की जेब पर डाका डालने के लिए एक से बढ़कर एक प्लान बनाते हैं। उनका साथ देते हैं अथॉरिटी के कुछ भ्रष्ट अफसर, जिनकी मिलीभगत से पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। घर खरीददार अपनी पूरी पूंजी जमा लगा चुके होते हैं, फिर इशारा होते ही बिल्डिंग सीज हो जाती है। सड़क पर प्रदर्शन करते सैकड़ों घर खरीददारों का बस एक ही सवाल था, अगर नक्शे के मुताबिक जार सोसाइटी नहीं बनी थी तो गलती किसकी थी? सुपरटेक अथॉरिटी चोर है भाई। इसकी सजा निवेशकों को क्यों भुगतनी पड़ रही है? 4 साल पाई पाई कर अपने विला और फ्लैट के लिए ईएमआई चुकाते रहे और एक झटके में ही पूरी बिल्डिंग को अवैध बता दिया गया। इनके अंदर अगर बातें सुन ली गई होती कि ईएमआई आज हम कर रहे हैं, रेंट बाहर नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम भी कोई गेट के बाहर आने का शौक नहीं है। हम भी पढ़े लिखे हैं, प्लीज सुन लीजिए। मोदी जी जागिए, करना चाह रहे हैं ये जागिए, जागिए। जब घर खरीदारों ने इसके विरोध में कार रैली निकालनी चाही तो पुलिस ने उसको रोक दिया, जिससे निवेशक और भड़क गए। निवेशकों का कहना यह है कि उन्होंने प्रशासन से बकायदा कार रैली की इस बारे में परमिशन ली थी, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। एम ऑफिस से, एसएसपी ऑफिस से, जितने भी थाना क्षेत्र आते हैं, सबने हमें आदेश दे रखा था कि आप अपनी रैली निकाल सकते हैं, तो आज अचानक बिल्डर के दबाव में आके पूरा प्रशासन जो है हमें हमारे अगेंस्ट खड़ा है। हमें अपनी सोसाइटी के अंदर नजरबंद कर दिया है। और दूसरी चीज, यहाँ पे 1900 फ्लैट सारे के सारे लीगल है, इन फ्लैटों को जबरदस्ती के लिए सील कर रखा है, इन सारे फ्लैटों को खुलवाना चाहिए। नहीं, जो फ्लैट सील है वो तो हाईकोर्ट के आदेश से सील है, हाईकोर्ट के आदेश से सील है, लेकिन हाईकोर्ट ने उसके बाद 2 बार रिहरिंग के बाद उन्होंने बोल दिया है कि ये अथॉरिटी को काम है, अथॉरिटी इस चीज को निपटाए। 1100 विला फ्लैट कैसे ज्यादा बन गए? जब हाई कोर्ट से रोक लगी तब जाकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जागती है और जार सोसाइटी सीज कर देती है। जिन घर खरीदारों ने फ्लैट लिए, जिन सुविधाओं को दिखाकर उसने निवेशकों को रिझाया, उसे महाठक सुपरटेक बिल्डर ने उन्हें आज तक मुहैया नहीं कराई। स्विमिंग पूल का ये हाल है, जिम और ऑडिटोरियम का पता नहीं। ऐसे में बायर्स ने सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी से न्याय की गुहार लगाई है और सुपरटेक बिल्डर को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है। इतने इतने पैसे लगा करके हमने अपने घर तैयार किए, सब कुछ किया, जब हम लेने आते हैं तो उस पर ताला लगा दिया जाता है, उसे इल्लीगल कहा जाता है। अगर चीजें इल्लीगल है, इतनी ही इल्लीगल है, इतनी बड़ी इल्लीगल प्रॉपर्टी के लिए बैंक ने लोन कैसे सैंक्शन दिया? हमें लोन दे रहे हैं, हमें इस चीज का जवाब दिया जाए कि बैंक ने इतनी बड़ी इल्लीगल सोसाइटी के लिए कैसे लोन सैंक्शन कर दिया? हम चार साल से बैंक का लोन पे कर रहे हैं और रेंट पे जो रह रहे हैं वो रेंट अलग पे कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद कराने तक की नौबत आ रखी है। महीने से पैसे ही हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते कि हम अपने घर की जरूरी चीजों के लिए सामान इकट्ठा कर सकें। बिल्कुल। तो इसमें बिल्डर के साथ साथ आपको किस पे और है कि अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक बिल्डर की मिलीभगत से इन लोगों के सपने अधर में हैं। पूरे पैसे देकर भी इन्हें धोखा ही मिला है। ऐसे में परेशान निवेशकों को जब विरोध करने का भी मौका नहीं मिलेगा तो सवाल उठेंगे ही। सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे सिजार सोसाइटी वासियों को पुलिस ने रोक लिया है। आज इनकी कार रैली निकालकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनकी काफ़ी दिनों से मांग है, जो सोसाइटी में बिल्डर ने अधिक फ्लैट बनाए थे जिसको हाईकोर्ट ने सील कर दिया था, उन और मूलभूत सुविधा जो कि बिल्डर मूलभूत सुविधा के नाम पर इनसे अधिक पैसे वसूल रहा है, उसके चलते ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज भी इनका कार रैली निकाल कर प्रोटेस्ट करना था, जिसको जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने रोक लिया है। ग्रेटर नोएडा से यूनुस आलम, भारत समाचार।
एक बड़ी खबर है, सुपरटेक बिल्डर ने मैनेज किया है, ग्रेनो बिल्डर के साथ मीटिंग कराई है, जार सोसाइटी के निवेशकों के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग में अथॉरिटी ने आश्वासन दिया है, आश्वासन के बाद निवेशकों की चेतावनी है सीधे सीधे, मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा प्रदर्शन, बड़ी सीधी सी बात है। यूनुस आलम इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। यूनुस, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन होगा फिर से एक बार? जी बिल्कुल राहुल, मैं आपको बता दूं, सीधे सोसाइटी वासी जो सिजार सुपरटेक बिल्डर के सताए हुए सिजार सोसाइटी वासी है, उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है, यदि अगर हमारी मांगों को जल्दी नहीं माना गया तो हम आने वाले समय में आंदोलन करेंगे, और आंदोलन ऐसा होगा कि सभी जो भी सुपरटेक के जितने भी प्रोजेक्ट है उनके सभी अध्यक्षों से मिलकर उनकी सहमति लेकर सबको एक साथ रखकर। इन्होंने आश्वासन क्या दिया है यूनुस, आश्वासन क्या दिया है इन्होंने? जी अभी आश्वासन की बात करें तो अभी तो खाली आज इन सोसाइटी वासियों को बुलाकर और सुपरटेक बिल्डर को बुलाकर प्राधिकरण के बीच एक मीटिंग हुई है, जिसमें इनकी समस्याओं को देख के ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द जो भी उचित कार्रवाई होगी प्राधिकरण करने की बात करेगी। जल्द से जल्द हम लोग देख रहे हैं, कितने साल हो गए जल्द से जल्द ये बता ही रहे हैं। और ये सुपरटेक मैनेज क्या करा रहा है, क्या करा रहा था मैनेज, लोगों को फ्लैट दे, मैनेज क्या करा रहे हैं ये? जी अगर सुपरटेक बिल्डर की बात करें तो अभी तक तो उसने ज्यादा आश्वासन नहीं दिया है, खाली जो FAR बढ़ाने की बात थी, इन जो सोसाइटी वासी हैं इन सोसाइटी वासियों ने सहमति दे दी है, लेकिन उन्होंने भी इसमें शर्तें रखी हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुपरटेक बिल्डर मैनेज कराने की कोशिश कर रहा है, देने चाहिए फ्लैट लेकिन करा रहे हैं मैनेज। इधर सुपरटेक बिल्डर ने किस तरह लोगों से फ्रॉड किया, ये जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए। पहले ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमिक्रॉम में सुपरटेक का सीजार सोसाइटी बन रहा है। ये प्रोजेक्ट 2005 में लॉन्च किया गया। इस सोसाइटी में तकरीबन 1904 फ्लैट थे, जिनकी मंजूरी तो कम फ्लैटों की थी, लेकिन इस बेईमान बिल्डर ने अथॉरिटी के साथ मिलकर अंदर ही अंदर FAR बढ़ा लिया, जिसमें 1000 फ्लैट अवैध रूप से बिल्डर ने खड़े कर लिए। इस बेईमान बिल्डर ने उन फ्लैट्स को बायर्स को बेच दिया और कब्जा देना शुरू कर दिया, लेकिन बायर्स जब तक उनमें रहना शुरू करते, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस सोसाइटी के 1000 फ्लैट सीज कर दिए। ऐसे में 1000 बायर्स का सपना टूट गया। ये बायर्स अपना पैसा दे चुके हैं और गलती प्राधिकरण और अथॉरिटी की है, लेकिन भुगतना बायर्स को पड़ रहा है। इन बायर्स को लोन भी चुकाना पड़ रहा है, किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है, लेकिन इनको देखने सुनने वाला कोई नहीं। बिल्डर ने जब फ्लैट बनाए और बेचे तब अथॉरिटी सब जानती थी, लेकिन जब बिल्डर ने फ्लैट बेच दिए तो उनको सील कर दिया गया। ये सुपरटेक बिल्डर जो है पूरी तरीके से फ्रॉड बिल्डर है। इसने जो है बहुत सारे कमिटमेंट किए थे जब बुकिंग के टाइम पे, हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी कमाई जो है इसमें लगा दी, और यहाँ पे जो है हमारे फ्लैट जो है आधे से ज़्यादा फ्लैट जो है 1000 से ज़्यादा फ्लैट सील हो गए हैं। जिनके फ्लैट सील हुए हैं बेचारे वो रेंट पे रहते हैं, उनको रेंट भी देना है, EMI भी देना है, सब कुछ देना है, वो पिछले 1.5-2 साल से परेशान है। सुपरटेक बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, सुपरटेक कोर्ट में भी नहीं जा रहा है, सुपरटेक हमेशा बीमारी का बहाना बनाता रहता है, सुपरटेक इस केस को लेंदी करना चाह रहा है। ऐसे में सोसाइटी में सिर्फ धोखाधड़ी ही नहीं बल्कि लूट हुई है। जिनको फ्लैट मिल गए वो भी परेशान है, और जिनको नहीं मिले वो तो परेशान है ही। वही जिन लोगों को फ्लैट मिल गए वो परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो फ्लैट जो रह रहे हैं रेजिडेंट वो भी परेशान है, इसलिए कि उनसे जो फ्लैट सील हैं उनका भी कैंप चार्जेज उन्हीं से लिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है सोसाइटी में, और इस अन्याय के खिलाफ प्राधिकरण भी 2-3 बार हम मीटिंग कर चुके हैं, वो भी सब लोग गोलमोल बातें करते हैं। बिल्डर ने सुरक्षा और मेंटेनेंस के नाम पर फ्लैट मालिकों से मोटी मोटी रकम ली, लेकिन उनको सुविधाओं के नाम पर दिखा दिया ठेंगा। बच्चों के खेलने वाले मैदान सील पड़े हैं, बच्चों के जो झूले चलते हैं उनमें करंट आता है, रात में सुरक्षा के लिहाज से गार्ड नहीं होते। तकरीबन 900 परिवार जो इस सोसाइटी में रह रहे हैं वो परेशान हाल है। बिजली पानी की कीमत
सरकारी रेटों से ज्यादा ली जाती है। मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर यहाँ जमकर वसूली की जाती है। यहाँ पे खेलने वेलने की बिल्कुल सुविधा नहीं है और साथ साथ स्विमिंग पूल क्लब ये सब कुछ सील कर दिया गया है। और यहाँ पे झूले में जब भी हम झूलते हैं या फिर कुछ भी खेलते हैं तो हमें एक जब भी हम एक दूसरे को छूते हैं तो कभी ना कभी हमें करंट लगता है। पिछले एक साल से सोसाइटी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इनकी ना तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सुनता है और ना ही बिल्डर। आखिरकार ये बायर्स जाएं तो जाएं कहां? नोएडा से भारत समाचार के लिए दानिश अजीज की रिपोर्ट। कहावत है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। नोएडा के बिल्डरों पर यह कहावत ठीक बैठती है, सटीक बैठती है। इस बार बदमाश बिल्डरों ने सरकारी खजाने को ही चूना लगा दिया, वो भी 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 334 करोड़ के राजस्व में सेंध लगा दी गई। और इस बात को डंके की चोट पर कहनी चाहिए, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि पूरे 334 करोड़ के राजस्व में सेंध लगा दी गई है। हालांकि मुस्तैद प्रशासन ने उन बिल्डरों की दाल नहीं गलने दी और फौरन कार्रवाई कर डाली। बात अगर अथॉरिटी की होती, बिल्डर अथॉरिटी के भ्रष्ट अफसरों को घूस खिलाकर काम बना लेते, लेकिन बिल्डरों की यही मनमानी उन्हें भारी पड़ गई। कैसे भारी पड़ी उनकी यह मनमानी, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 7 बिल्डरों पर होगी FIR। सरकारी खजाने को लगाया चूना, लूट लिए 364 करोड़ रुपए। नोएडा के बिल्डर सिर्फ आम बायर्स को नहीं लूटते, इनकी लूट गाथा उससे भी ऊपर है। इस बार बिल्डरों ने मिलकर जिला प्रशासन को लूट लिया और 334 करोड़ रुपए ठग लिए। जिन 7 डकैत बिल्डरों ने कारगुजारी की उनमें डिवाइन इंडिया, एसोटेक, सिलेस्टे टावर, विक्ट्री क्रॉस, रियल्टर्स टावर और गार्डनिया है। इन बिल्डरों ने जिला प्रशासन के राजस्व की क्षति पहुंचाई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसे मक्कार बिल्डरों ने 10,318 फ्लैटों पर बायर्स को कब्जा दे दिया लेकिन फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराई, जिससे प्रशासन को 334 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। डीएम ने मामले की गंभीरता समझते हुए तुरंत एक्शन लिया और इन 7 बिल्डरों को नोटिस थमा दिया। साथ ही इन बिल्डरों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में डीएम ने टाउन विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए और कहा कि सभी बिल्डर्स को नोटिस जारी करें और स्टाम्प एक्ट की धारा 64C के तहत FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। कुछ बिल्डर्स ने बायर्स को बिना रजिस्ट्री कराए हुए पोजीशन दे दिया और फिर ये सेक्शन 64 स्टाम्प एक्ट का वायलेशन है, 64C का। तो ऐसी स्थिति में लॉ अप्रोप्रिएट एक्शन लेना आवश्यक है और इसमें FIR दर्ज करानी होगी। अभी तक जो प्राइमा फेसाई हम लोग को पता चल रहा है कि 5-7 केसेस ऐसे हैं, हमने उनको 5-7 दिन का समय दिया है और उसके बाद निश्चित रूप से इसमें FIR दर्ज होगी क्योंकि लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन इन बदमाश बिल्डरों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा। जिला प्रशासन जल्द ही उन पर कठोर कार्रवाई भी करेगा। साथ ही दूसरे बिल्डरों को भी जिला प्रशासन ने हिदायत दी है कि बिना रजिस्ट्री के कोई बिल्डर फ्लैट पर पोजीशन ना दे। जिला प्रशासन के इस रवैये से निवेशकों ने राहत की सांस ली है, उन्हें लगने लगा कि सरकार निवेशकों के हित में काम कर रही है। नोएडा के बेईमान बिल्डर जहां एक तरफ बायर्स को लूट रहे हैं तो प्रशासन और सरकार को भी वो लूट रहे हैं। नामचीन 7 बिल्डरों ने मिलकर बाकायदा जिला प्रशासन को 300 करोड़ से अधिक कर राजस्व का चूना लगाया है, जिसमें अजनारा, आम्रपाली, गार्डनिया जैसे बिल्डर शामिल हैं। अब डीएम ने तत्काल कार्यवाही कर इन बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं और साथ ही ताकीद करी है कि कोई भी बिल्डर जो भी राजस्व का नुकसान करेगा वो जेल में होगा। जिस तरह जिला प्रशासन अब कड़ी कार्यवाही कर रहा है तो एक मैसेज देना चाह रहा है इन बेईमान बिल्डरों को कि सुधर जाओ वरना इनकी जगह जेल ही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। इधर रियल एस्टेट सेक्टर बाजार नए सत्र के बाद करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। पार्थ बिल्डर पिछले 3 साल से अपने 2 प्रोजेक्ट पर बस गड्ढे खोद कर निवेशकों को धोखा दे रहा है, उन्हें झांसे में रखकर लूट रहा है। पार्थ के गार्डनिया रेजिडेंसी में तमाम गड़बड़ियां हैं, बावजूद इसके वो अपने प्रोजेक्ट को सीना हजूरी से चला रहा है। इस पर लीडा और रेरा दोनों मेहरबान हैं। मेहरबान क्यों हैं? 2 साल बचे हैं प्रोजेक्ट को पूरा करने में, लेकिन अभी भी मौके पर नक्शे के मुताबिक इमारत खड़ी नहीं हुई है। पार्थ बिल्डर के महापाप की परतें उधेड़ती भारत समाचार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर और ध्यान से देखिएगा। पार्थ बिल्डर का महापाप, झूठे दस्तावेजों से फरेब, क्योंकि ये पार्थ नहीं दुर्योधन है। नाम पर ना जाइएगा, ये पार्थ अर्जुन नहीं है, आज का दुर्योधन है। इसके निशाने पर निवेशक हैं। इस फरेबी बिल्डर के 2 प्रोजेक्ट लखनऊ में चल रहे हैं। कलयुग का पार्थ शकुनी की तरह चाल चल रहा है। रेरा से उसने 2 प्रोजेक्ट अप्रूव कराए हैं, गार्डेनिया रेजिडेंसी फेज 1 और गार्डेनिया रेजिडेंसी फेज 2। पार्थ बिल्डर के दोनों फेज शकुनी के वो पासे हैं जिसकी चाल में फंसकर द्वापर में युधिष्ठिर को राज सिंहासन से हाथ धोना पड़ा, और अब कलयुग का ये पार्थ निवेशकों को लूट रहा है। इसके दोनों प्रोजेक्ट के अप्रूवल अलग अलग हैं। मसलन फेज 1 का नंबर यूपी रेरा PRJ 9326 और फेज 2 का नंबर यूपी रेरा PRJ 14996 है, जबकि इसमें अपलोड दस्तावेज हैं। दोनों की जमीन के नक्शे जुड़वा हैं। जहां फेज 1 है वहीं फेज 2 है। पार्थ के महापाप का ये पहला कांड है, अब दूसरा भी देख लीजिए। जिस जमीन की रजिस्ट्री 29 जुलाई 2013 को हुई, उसके जितने भी खसरा नंबर दर्ज हैं, वो रेरा में अपलोड खसरा नंबर से मिसमैच हैं। खसरा नंबर 137, 138, 139, 40, 41, 146, 47, 48 और 192 पर गार्डेनिया रेजिडेंसी फेज 1 का प्रोजेक्ट है, और दूसरे प्रोजेक्ट का खसरा नंबर वही है, बस इसमें कलस्टर की कालिख मार दी गई है। सवाल यह है कि रजिस्ट्री में दर्ज खसरा नंबर कहाँ है? जिस खसरा नंबर को रेरा में दिखाया जा रहा है, असल में उसकी रजिस्ट्री के पेपर कहाँ हैं? हे पार्थ, इस पर अपनी चुप्पी तोड़ो। हे पार्थ, निवेशकों की जमीन पर तुम सांप सीढ़ी मत खेलो। वैसे ही लीडा ने लूडो खेलना शुरू कर दिया है, गजब की दोस्ती गांठी है। पार्थ, रेरा और लीडा तीनों मिलकर चोरी कर रहे हैं, और सीना जोरी भी। क्या इतनी बड़ी अनियमितता रेरा को दिखाई नहीं देती? लीडा के अफसरों ने भांग नहीं खाई तो क्या खाकर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी? निगरानी संस्थाएं निवेशकों को बताएं और उन्हें आश्वस्त करें, आखिर उन सैकड़ों निवेशकों का क्या कसूर जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में निवेश की? पूरा प्रोजेक्ट बिजनौर के मीरनापुर पिनवट में चल रहा है। जमीन एयरपोर्ट के पास है जहां पार्थ बहुमंजिल इमारत बना रहा है। इसने अपने प्रोजेक्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन भी नहीं ली, पर्यावरण और माइनिंग डिपार्टमेंट की NOC तक नहीं ली। अगर ली है तो उसे रेरा के पोर्टल पर अपलोड क्यों नहीं किया गया? इस मामले में जितनी बिल्डर ने मक्कारी दिखाई, उतना ही रेरा ने उसका साथ दिया। लीडा भी परमिशन देकर भूल गया। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों प्रोजेक्ट को हरी झंडी 6 नवंबर 2015 को दी गई और प्रोजेक्ट से संबंधित एफिडेविट नवंबर 2017 के अपलोड किए गए? जिस जमीन पर पार्थ इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड अपना प्रोजेक्ट खड़ा कर रहा है, उसका वर्क परमिट रेरा 434 है, जबकि लीडा इसे 281 बता रहा है। ये हेर फेर किसके लिए किया गया? निवेशकों को इसी जमीन पर 31 अगस्त 2020 पर पजेशन देना है, उसका ये हाल है। अभी चारों ओर बस गड्ढे खुदे हैं। 3 साल 2 महीने में बस भ्रष्टाचार की नींव खोदी गई। बाकी बचे 2 साल में यहाँ कैसे रहने लायक घर बन जाएगा? कैसे निवेशकों की जरूरत और वादों के मुताबिक उन्हें ये बिल्डर सपनों का घर दे पाएगा? इसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको बता दें, पार्थ रिपब्लिक के जो नए प्रोजेक्ट है गार्डनिया रेजिडेंसी का है, इसमें आपको बता दें कि 2015 में जो है इसके लिए बाकायदा जो है पार्थ ने जो है शुरुआत की थी इस प्रोजेक्ट की, और 2020 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2018 आ चुका हो, लगातार जो है निवेशकों द्वारा बुकिंग्स चालू हैं, लेकिन निर्माण के नाम पर आपको देख सकते हैं कि किस तरह अभी भी सिर्फ नींव ही खोदी गई है। यानी कि 3 साल बीत चुके हैं और अभी तक सिर्फ निर्माण के नाम पर नींव ही खुदाई हो पाई है, निर्माण अभी कहीं शुरू नहीं हुआ।
हुआ है, तो ऐसे में जो निवेशक हैं वो जो है कहीं ना कहीं इसमें पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। रोजाना जो है पाथ रिपब्लिक की ओर से इसमें रोजाना बुकिंग चल रही है, सैकड़ों निवेशकों को फंसा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन किस कब इस जो है जो ये पाथ रिपब्लिक के बिल्डर है इसके खिलाफ कड़े एक्शन लेगा। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ में अंकुश जायसवाल, भारत समाचार, लखनऊ। आप बिल्डर हैं या आप कुछ भी हैं, अगर गलत काम करेंगे तो भारत समाचार डंके की चोट पर दिखाएगा। ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों ने गुंडई की हद पार कर दी है, लेकिन गुंडई यहां चलेगी नहीं। और ठेकेदार की दफ्तर में जमकर पिटाई कर दी। बकाया पैसा मांगने पर रुद्रा बिल्डर इतना आग बबूला हो गया कि उसने किराए के गुंडों से ठेकेदार को बुरी तरह से पीटा। उसकी ये करतूत देखिए पहले आप। ग्रेटर नोएडा में रुद्रा बिल्डर ने गुंडई की हदें पार कर दी। बकाया रकम वापस मांगने पर उसके गुर्गों ने ठेकेदार की इस कदर पिटाई की कि वो घायल हो गया। मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली के सेक्टर 150 में रुद्रा बिल्डर का है। निर्माणाधीन साइट पर आज दोपहर शटरिंग ठेकेदार को अपने बकाया पैसा मांगना महंगा पड़ गया। बिल्डर ने पैसा देने के बहाने उसे ऑफिस में रुकने को कहा। पीड़ित ठेकेदार वहीं रुक गया और कुछ देर बाद रुद्रा बिल्डर ने अपने गुंडे वहां भेज दिए और उन्होंने जाते ही ठेकेदार और उसके दो साथियों पर लाठी डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जी, बाउंसर हैं या गुंडे हैं वो क्या है, उन्होंने आते ही हमारे साथ मारपीट करी है। अच्छा, क्या नाम है बिल्डर का? रुद्रा बिल्डर, मुकेश खुराना। क्या नाम है? मुकेश खुराना। अच्छा, आज अब नॉलेज पार्क थाने आए तो क्या पुलिस से क्या मदद मिली? कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई। बताया जा रहा है कि बिल्डर के गुंडे तीन गाड़ियों में भर कर आए थे और ठेकेदार उसके साथी के साथ मारपीट कर उन्हें घायल करके फरार हो गए, जिसमें उसके भाई और दोस्त को चोट आई है। ये एक प्रकरण अभी मेरे द्वारा जानकारी की गई है, कल घटना हुई थी जिसमें मारपीट का एक मामला प्रकाश में आया। उसमें जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से FIR लिखी गई है, जिसमें दो लोग नामजद और कुछ लोग अज्ञात हैं। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो दोषी व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मकार रुद्रा बिल्डर की गुंडई ऐसी कि उसकी हनक के आगे थाने थर थर कांपते हैं। उसके एक इशारे पर पीड़ित की नहीं सुनी गई। बिल्डर ने पूरा थाना थानेदार सब मैनेज कर लिया। गुंडों की पिटाई से घायल पीड़ित ठेकेदार की पुलिस नहीं सुन रही। ऐसे में रुद्रा बिल्डर पर पुलिस कैसे एक्शन लेगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और इन गुंडों की तलाश करी जा रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये बिल्डर हैं या फिर गुंडे। इन गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जाती, जिससे इनकी गुंडई कम हो सके और कम से कम राहत मिल सके आम लोगों को। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। अगर आपकी नींव में धोखेबाजी है तो जरा बचकर, क्योंकि भारत समाचार आपको देख रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।